शाहरुख खान मुसलमान और अहलिया गौरी हिंदू, किंग खान के बच्चों का मजहब क्या है? बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और उनकी अहलिया गौरी खान की शादी को 3 दहाइयों से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। आप इस जोड़े के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गौरी के वालिदैन इब्तिदा में उनकी शादी के खिलाफ थे क्योंकि शाहरुख मुसलमान थे। करण जौहर के मशहूर जमाना प्रोग्राम कॉफी विद करण के पहले सीजन में गौरी ने मजहब तब्दील करने के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया था और कहा था कि वो शाहरुख के मजहब का एहतराम करती हैं। शो की इस किस्त में गौरी ने कहा था कि आर्यन और शाहरुख में ये कदर मुश्तरक है कि आर्यन अपने मजहब की पैरवी करेगा, ऐसा मुझे लगता है क्योंकि वो हमेशा कहता है कि मैं एक मुसलमान हूँ। उन्होंने कहा कि जब वो मेरी वालिदा से ऐसी बात करता है तो वो हैरान रह जाती है और पूछती है कि आर्यन ये सब क्या कह रहा है, ये सच है कि वो इस बात को तस्लीम करने से कतराती है। गौरी ने कहा कि हमारे यहाँ मजहब के मामले में खास तवाज़ुन है, मैं शाहरुख के मजहब का एहतराम करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मजहब तब्दील करके मुसलमान हो जाऊंगी। मैं समझती हूँ कि हर फर्द अपने मजहब की पैरवी करता है। शाहरुख खान ने भी भारतीय टीवी शो डांस प्लस 5 में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि हमने कभी हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं की, मेरी बीवी हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ। उन्होंने कहा कि जब मेरे बच्चे स्कूल गए तो वहाँ एक फॉर्म में पूछा गया कि आपका मजहब क्या है। शाहरुख ने बताया कि सुहाना ने वापसी पर जब मुझसे पूछा कि हमारा मजहब क्या है तो मैंने साफ कह दिया कि हम इंडियंस हैं, कोई मजहब नहीं है और होना भी नहीं चाहिए।